नांदगांव में कथा हो रही है, हमारे महाराष्ट्र में कथा हो रही है, हमारे क्षेत्र में कथा हो रही है, नांदगांव के अंतर्गत कथा हो रही है, और वो भी पितृपक्ष में कथा मिलेगी और मिलेगी, कथा और श्रवण करने को मिलेगी, कथा और प्राप्त हो जाएगी। पर पितृपक्ष में अगर कथा मिली है तो ये अवसर क्यों छोड़ें? एक मिनट के लिए भी अगम शिव पुराण में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। एक मिनट के लिए भी हम भगवान शंकर की भक्ति में जाएं तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। एक क्षण के लिए भी हम भगवान की भक्ति में पहुंचे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। ये अवसर क्यों छोड़ें? ये अवसर हम क्यों त्यागें? अगर मिला है अवसर तो उस अवसर को त्यागना नहीं है, मिला है अवसर तो उसको छोड़ना नहीं। बड़ी मुश्किल से मिलता है। पितृपक्ष की यह कथा नांदगांव के अंतर्गत महाराष्ट्र की इस पवित्र भूमि पर अगर आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं तो कहीं हमारे पूर्वजों का, कहीं हमारे माता पिता का, कहीं हमारे कुल देवता का, कहीं हमारे पूर्वजों का कोई पुण्य हमारे सामने प्रकट हुआ होगा, कोई पुण्य हमारे सम्मुख में आया होगा। बस ये है कि एक समय, अभी आपको कलकत्ता में कहा था कि विष निकला है और विष निकलने के बाद चिंता व्यापी है। कुछ भी नया करोगे, कुछ भी नया प्रकट होगा, कुछ भी नया करने का तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न होगा तो थोड़ी ना थोड़ी चिंता व्याप्त है, थोड़ी ना थोड़ी चिंता रहे। घर बना रहे हो, मकान बना रहे हो, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। मेरा मकान बनना है, मकान का काम लगना है, कौन ठेकेदार आएगा, कौन करेगा, पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्था होगी, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। शादी करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। व्यापार करना है, थोड़ी चिंता बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि चिंता नहीं बढ़ेगी। कोई फैक्ट्री खोलना है, कोई कार्य करना है, बच्चों को स्कूल भेजना है, शादी विवाह करना है, कोई आधिकारिक कार्य करना है, कोई राजनीतिक समीकरण करना है, तो भी चिंता बढ़ती है, चिंता बढ़ती है। और ये चिंता केवल तुम्हारे को नहीं है, केवल ये चिंता संसार के लोगों को ही नहीं है, ये चिंता केवल मनुष्य को ही नहीं है। शिव महापुराण की कथा अपनी आनंदमय भाव में व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं कि ये चिंता देवताओं को भी है। ये चिंता नाग और किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, सबको चिंता रहती है। ये चिंता हरेक में समाहित होती है, ये चिंता सब में रहती है। ऐसा नहीं कि कोई गंधर्व हो, अप्सरा हो, नृत्य कर रहे हैं सो आनंद है, देव हो, किन्नर हो, असुर हो, राक्षस हो, सब में चिंता व्याप्त है। एक थोड़ा सा विष सामने प्रकट हुआ और उस विष की चिंता व्याप गई कि ये विष कौन पिएगा, इस विष को कहाँ लेकर जाएंगे, ये विष किसको देंगे, ये जहर किसको देंगे, ये जहर कौन लेगा, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने आकर, तुरंत भगवान विष्णु ने आकर उसी समय पर कहा कि ये चिंता मत करो। भगवान नारायण कहते हैं कि अब शंकर का चिंतन करो। और आप सबसे निवेदन है, जब जिंदगी में सामने चिंता खड़ी हो, जब तुम्हें लगे कि मैं बहुत बुरी तरह से कहीं ना कहीं घिर गया हूं, जब तुम्हें लगे कि मेरे सम्मुख में ये चिंता व्याप रही है, मुझे रात की नींद चली गई, मेरी बेचैनी बढ़ गई, मेरा ब्लड प्रेशर, मेरा शुगर, ये सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में बढ़ रहा है, घट रहा है, तुम्हें चिंता व्यापने लगी। आजकल तो हम कहते हैं कि शरीर में कितनी चिंता है, आजकल इंद्रियां भी बता देती हैं। तुम्हारा शुगर का लेवल ऊपर नीचे हुआ ना तो मालूम पड़ जाता है कि तुम चिंता करने वाले हो गए। तुम्हारा बीपी ऊपर नीचे होने लगा, ब्लड प्रेशर, तो समझ में आने लगा कि तुम चिंता करने लगे। आजकल तो हमारी इंद्रियां, हमारे शरीर की एक एक अंग हमारी चिंता का विषय बता देते हैं कि हमें चिंता कितनी है। तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे चेहरे का तेज अगर चले गया, तुम्हारे चेहरे की रौनक चली गई तो बता देगी कि तुम्हारी चिंता कितनी है। तुम्हारा बीपी शुगर ऊपर नीचे हो गया तो बता देगी कि तुम्हारी को चिंता कितनी है। शिव महापुराण की कथा कह रही है, जब विष निकला,
सबको चिंता थी, कोई पीने को तैयार नहीं था, समुद्र उसको लेने को तैयार नहीं है, जहर कौन पिएगा, जहर कौन धारण करेगा, पृथ्वी उसको लेने को तैयार नहीं, आकाश उसको लेने को तैयार नहीं, पशु पक्षी जलचर थलचर वायुचर जितने हैं ये कोई लेने को तैयार नहीं है, चिंता व्यापी। तब भगवान नारायण ने कहा कि एक काम करो कि शिव को याद करो और शिव का चिंतन करो, चिंता छोड़ दो चिंतन में लग जाओ। शंकर का करा गया चिंतन हमारी जीवन को एक आनंदता दे देता। मुसीबत और लहर, मुसीबत और लहर, पानी की समुद्र की लहर हो, तालाब में लहर हो, नदी की लहर हो, समुद्र की लहर हो, या बीमारी की लहर हो, इसलिए तो कोरोना को बीमारी के साथ में कहा गया था, कोरोना बीमारी की लहर। जब कोई बड़ी बीमारी आती है तो कहते थे इसकी लहर चल रही है। लहर का मतलब क्या होता है? पानी की लहर और मुसीबत, पानी की लहर और दुख, पानी की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और मुसीबत, समुद्र की लहर और तकलीफ, समुद्र की लहर और दुख, ये एक जैसे हैं, इनको एक जैसा कहा गया। क्यों? उसका कारण केवल इतना है, समुद्र की लहर कितनी भी उछल ले, पानी की लहर कितनी भी उछल ले, नदी की लहर कितनी भी उछल ले, तालाब की लहर कितनी भी उछल ले और कितनी भी जाए, एक ना एक दिन वो समुद्र की लहर, पानी की लहर, तालाब की लहर एक ना एक दिन शांत हो ही जाती है। उसी तरह जैसे लहर और मुसीबत, लहर और दुख ये एक जैसे हैं, मतलब अगर लहर उछली है तो शांत भी होगी और अगर मुसीबत आई है तो समाप्त भी होगी, ये निश्चित है, ये निश्चित। समुद्र की लहर अगर उछल रही है, पानी अगर उछल रहा है, लहरें अपनी सीमा को तोड़ दी हैं, बीमारी अपनी सीमा को तोड़ दी है, जैसे कोरोना को कहा गया लहर, कोरोना की बीमारी बढ़ी तो कहा लहर बढ़ गई। आखिर लहर क्यों कहा गया? क्योंकि एक ना एक दिन ये लहर थमेगी जरूर, एक दिन ये लहर शांत होएगी जरूर। उसी तरह समुद्र की लहर हो, पानी की लहर हो, बीमारी की लहर हो, चाहे कोई भी लहर हो, एक ना एक दिन वो लहर शांत होती जरूर है। उसी तरह शास्त्र कहता है मुसीबत कितनी भी बड़ी हो ये लहर की तरह है, दुख कितना भी बड़ा हो ये दुख कितना भी बड़ा हो ये भी लहर की तरह है, तकलीफ कितनी भी बड़ी हो ये भी लहर की तरह है, ये मुसीबत ये दुख ये तकलीफ जो लहर की तरह है ये धीरे ना धीरे एक ना एक दिन शांत समाप्त होती जरूर है। कोई मुसीबत हमेशा नहीं टिकती है, कोई तकलीफ हमेशा नहीं टिकती है, कोई मुसीबत कोई तकलीफ कोई कष्ट हमेशा नहीं रहता है, हमेशा नहीं रहता, एक ना एक दिन ये समाप्त होता चला जाए। भगवान देवताओं ने मिलकर, सभी देवों ने मिलकर कह दिया, भगवान नारायण ने सारे देवताओं से, सारे नागों से, किन्नर से, गंधर्व से, असुर से, पक्षियों से, पशुओं से, देवताओं से, सबसे कह दिया, सुर असुर सबसे कह दिया, चिंता ना करो, शंकर का चिंतन करो। अब जरा विचार करिएगा कि एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है वासुकी नाग की, ये थोड़ा ऊंचा करिए, वासुकी नाग की एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, दूसरी तरफ मुख पकड़ा गया, एक तरफ पूंछ पकड़ी गई है, एक तरफ मुख पकड़ा गया, खींच रहे हैं उसको। अब शिवजी का चिंतन कैसे होगा? अब भगवान शंकर का चिंतन कैसे होगा? जरा विचार करिएगा, चिंतन हो तो फिर हो कैसे? तभी भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं है कि आप शिवालय जाओगे तो अभिषेक हो पाएगा, शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप अपने घर के शिवलिंग को थाली में रखोगे, परात में रखोगे, पात्र में रखोगे तब हो पाएगा, शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप 12 ज्योतिर्लिंग में जाएंगे तब हो पाएगा, शंकर भगवान का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप किसी मंदिर देवालय में जाएंगे तब हो पाएगा। भगवान नारायण ने समुद्र मंथन के समय पर विष निकलते समय भगवान नारायण ने एक बात संपूर्ण क्षेत्रवासियों के लिए, संपूर्ण विश्ववासियों के लिए, संपूर्ण जगत के लिए, संपूर्ण पृथ्वी पर रहने वाले, ब्रह्मांड में रहने वाले मनुष्यों के लिए कह दिया कि शंकर का अभिषेक जरूरी नहीं कि आप मंदिर जाओगे तब होगा, घर में बर्तन में शंकर का शिवलिंग रखोगे तब होगा, शंकर का अभिषेक 12 ज्योतिर्लिंग में जाओगे तब होगा। शास्त्र कहता है शंकर का अभिषेक तुम जब भगवान शंकर को दिल से याद करते हो, श्री शिवाय
नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। जब तुम स्मरण करते हो पंचाक्षर मंत्र का, षडाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का, जब तुम स्मरण कर रहे होते हो और दिल से तुमने अगर उसको स्मरण कर लिया तो समझ लेना कि तुम्हारे शंकर का अभिषेक हो गया, उसका चिंतन हो गया, उसका स्मरण हो गया, उसकी भक्ति हो गई, उसका मंत्र जाप हो गया। आप समझे उसको भजन हो गया। आप में से कितने लोग हैं जो भगवान के मंदिर में प्रसाद लेकर जाते हैं? जल्दी से हाथ उठाओ। अरे उठाओ तो सही, कभी तो ले गए होगे, कोई से तो मंदिर में ले गए होगे, कोई से तो देवता क्या ले गए होगे, ले गए थे ना, हम भी ले गए थे, ठीक है, तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे, हम कोई अलग से तो पैदा हुए नहीं है, है? तुम ले गए थे तो हम भी ले गए थे। अब आप में से कितने लोग हैं जितना प्रसाद लेकर गए थे उतना की उतना प्रसाद तुमने भगवान को खिला दिया? हम भी लेकर गए थे, हम भी नहीं खिला पाए। अगर तुम में कोई बैठा हो जिसने भगवान को 1 किलो मिठाई पूरी खिला दी, लड्डू पूरा खिला दिया, बर्फी पूरी खिला दी, कोई बैठा है? नहीं, ना हम है ना तुम, जैसे तुम वैसे हम, ठीक है। अब अंदर बैठा भगवान को तुमने भोग लगाया और तुमने वो प्रसाद वहां रख दिया, तुमने वो प्रसाद वहां दे दिया और भगवान को नमन कर कर कहा, बाबा मैं तुम्हारे लिए ये भोग लेकर आई हूं, आप इसको पा ले। जब शरीर में बहुत बड़ी बीमारी होती है ना, तो जो लोटा भरकर जल चढ़ाने वाले होते हैं ना, जो भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो जल चढ़ाते चढ़ाते शंकर जी को क्या कहते हैं? बाबा बहुत बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर ने मना कर दिया है। बाबा डॉक्टर कहता है कि ये किडनी नहीं चलेगी, ये लीवर नहीं चलेगा। बाबा मेरा थायराइड बढ़ गया। बाबा मेरी शुगर बढ़ गई। बाबा मेरा ब्लड प्रेशर गड़बड़ हो रहा है। बाबा मेरी आंखों की रोशनी चली गई। बाबा बहुत तकलीफ में हूँ। तब हम जब भगवान शंकर को जल चढ़ाते हैं ना, उस समय बाबा से कहते जाते हैं और बाबा से आखिरी में जल चढ़ाकर फिर कहते हैं, बाबा मैंने जो जल समर्पित करा है ना बाबा, इसको अमृत कर दीजिए। मैंने सुना है आपकी जटा में गंगा है और गंगा अमृत का काम करती है। मैंने सुना है आपकी जटा में चंद्र है, चंद्र अमृत का काम करता है। बाबा मैंने सुना है आपके मस्तक पर सूर्य है, सूर्य अमृत का काम करता है। बाबा आपके पूरी शरीर में 33 कोटि देवता विराजमान है। बाबा जब मैं जल चढ़ाऊं ना तो इसको अमृत कर दीजिए और मेरे रोग को आपका जल का आचमन करते से ही मेरे रोग समाप्त कर दीजिए। शिव रोग को समाप्त कर दो। आप भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए, हम भी प्रसाद लेकर मंदिर में गए। कल हमारे श्री आमदार सुहास अन्ना जी कांदे जी कह रहे थे और ताई कह रही थी कल कि गुरु जी हम दोनों भोजनशाला में गए थे और रोज जा रहे हैं गुरु जी, प्रतिदिन भोजनशाला में हम रोज जा रहे हैं। और गुरु जी भोजनशाला में जब हम रोज जाते हैं और जो सारे शिव भक्त भोजन कर रहे हैं उसी में से हम लोगों ने भी भोजन किया, तो कल माननीय आमदार जी और ताई कह रहे थे कि गुरुजी ना जाने उस भोजन में क्या है ऐसा कि भगवान का प्रसाद अलग ही स्वाद आ जाता है। तो मैं श्री सुहास अन्ना जी से कहूँगा, जब भाव से भगवान को दिया जाए ना तो भगवान भाव से पा लेता है। भाव से अगर भगवान को दिया जाए तो भाव से पा लेता है। तीन लाख भक्त अगर यहाँ कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 2 लाख भक्त कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, 4 लाख भक्त अगर कथा सुनने के लिए आ रहे हैं, तो उसमें से कम 1.5 से 2 लाख भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान शंकर का प्रसाद पाकर जाते हैं। प्रेम वश आपने भी भोग लगाया भगवान को, हमने भी भोग लगाया भगवान को, पर भगवान ने 1 किलो लड्डू नहीं खाए, भगवान ने पेड़ा नहीं खाया, भगवान ने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं। जब भगवान ने कुछ नहीं पाया, प्रेम वश बस भगवान के सामने रखा और भगवान ने उसे भाव से पा लिया, तो जो प्रसाद हम खाते हैं उसमें अपने आप स्वाद बढ़ जाता है। इससे यह महसूस होता है कि भगवान ने भोग लगा लिया है, इससे यह महसूस हो जाता है कि भगवान ने भोग लगा लिया। अब चलो आगे बढ़ते हैं इसी कथा में। आप में से सबने भगवान को भोग लगाया, हमने भी भगवान को भोग लगाया, भगवान ने अंदर भोग लगा हुआ प्रसाद पंडित जी ने हमको वापस दे दिया, हम अपना डब्बा लेकर वापस चल दिए। हमारा सनातन धर्म क्या कहता है? अब हमारा सनातन धर्म क्या वर्णन करता है कि मंदिर से जब प्रसाद का डब्बा लेकर निकलो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा प्रसाद सबको
बांटो। बोलो बोलता है कि नहीं बोलता। हमारा सनातन धर्म कहता है कि मंदिर में से प्रसाद लेकर निकलो तो उस प्रसाद में से वितरण कर दो। अन्ना जी आपको कल के लिए एक धन्यवाद। कल एक दीदी यहाँ पर व्हील चेयर पे आई थी। हमारा ऐसा नियम है कि व्यासपीठ से हम जब तक बैठे हैं तब तक हम बेलपत्र देते हैं, उसके बाद हम यहाँ से उतरने के बाद हम बेलपत्र उठाते भी नहीं और देते भी नहीं। हमारा नियम है ये, जब तक हम बैठे हैं तब तक बेलपत्र देते हैं। कल हम जब उतर गए और वो व्हील चेयर से वो दीदी यहाँ पर आई, शायद आज बैठी हों कि ना बैठी, तो वो वहाँ आई तो आपने कहा गुरु जी इनके तकलीफ है और ये व्हील चेयर पर हैं तो इनको बेलपत्र। अब हमारे मन में आया कि हम बेलपत्र कहाँ से लाएं, कैसे दें। तो अन्ना जी आपको साधुवाद है उसके लिए, आपने अपनी जेब में से आपकी जो बेलपत्र थी वो निकाल कर दे दी और कहा ये बेलपत्र इनको दे दो गुरु जी, इनको जरूरत। उसकी साधुता है आपको। इससे ये मालूम पड़ता है कि हम सबके लिए हैं, हम सर्वस्वता के लिए बेटे, हम सर्वस्वता के। एक समर्पण का भाव किसको कहते हैं? हमारा सनातन धर्म कहता है आपके हाथ में मिठाई का डब्बा है ना, लड्डू का डब्बा है, मंदिर में भोग लगाया हुआ डब्बा आप लेकर चलते हो, उस डब्बे को बाहर लाकर वितरण क्यों किया जाता है, प्रसाद क्यों दिया जाता है? हमारे यहाँ बद्रीनाथ से होकर आए तो प्रसाद दे दिया, वैष्णो देवी से होकर आए प्रसाद दे दिया, पंडरीनाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम शिरडी से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम जगन्नाथ से होकर आए प्रसाद दे दिया, हम त्र्यंबक से होकर आए, हमने हमारे मोहल्ले में हमारे रिश्तेदारों को प्रसाद दिया। ये नियम सनातन धर्म ने क्यों बनाया, उसका कारण क्या है? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप मंदिर से आओ तो प्रसाद दो? सनातन धर्म में ये नियम क्यों बना कि आप भीमाशंकर गए वहां से दर्शन कर कराए और आपने अपने पड़ोसियों को रिश्तेदारों को नातेदारों को छोटा छोटा पैकेट बनाकर प्रसाद कर दिया, आपने किसी को प्रसाद दिया? ये प्रसाद हमारे सनातन धर्म में हम कहीं से होकर आते हैं भगवान को भोग लगा कर आते हैं, ये प्रसाद क्यों देते हैं, उसका कारण है क्या? आखिर क्या हमारा सनातन धर्म में ये चीज क्यों बताई गई कि प्रसाद देना चाहिए? उसका कारण केवल इतना सा है कि मंदिर में जो भगवान बैठा है जिसको हमने भोग लगाया है वो अंदर बैठकर हमारे प्रसाद को भाव से खाता है, सामने प्रकट होकर नहीं खाता। पर उसी प्रसाद को जो बाहर मंदिर तक नहीं गए उनको जब आप थोड़ा सा प्रसाद देते हो तो उनके अंदर बैठा हुआ शंकर उस प्रसाद को पा लेता है और उसका उद्धार कर देता है। तुझ में रब दिखता है यारा में क्या करूं, हर एक में शिव दिखता है यारा में क्या करूं। हर एक में शिव है। मंदिर से बाहर निकले प्रसाद बांटना प्रारंभ करा, प्रसाद बांटना प्रारंभ करा तो ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, इतने को प्रसाद दिया है, 25 लोगों ने प्रसाद लिया, 50 लोगों ने प्रसाद लिया, ना जाने कौन व्यक्ति के साथ था, किस भाव से उसने प्रसाद को ग्रहण करा, ना जाने कौन था जो शंकर का रूप रखकर आया प्रसाद लेकर चले गया, ना जाने कौन था जो शिव तत्व के रूप में आया और प्रसाद लेकर चले गया। शिव महापुराण की 7 दिन की अगर कथा होती है या 5 दिन की कथा होती है तो 5 दिन की कथा में 4 दिन जो व्यासपीठ की बेलपत्र रहती है वो औषधि की रहती है, 7 दिन की जो कथा होती है उसमें 6 दिन की बेलपत्र औषधि की रहती है। शुगर हो, बीपी हो, थायराइड हो, पैर, कमर, घुटना, आंख, सिर, ब्रेन, कोई ट्यूमर, कोई कुछ जो तकलीफ रहती है 6 दिन की जो बेलपत्र है वो औषधि का काम कर जाती है। 7वें दिन के बेलपत्र को खाया नहीं जाता, 7वें दिन के बेलपत्र को केवल लाल वस्त्र में उसको लपेट कर अपने घर में उसको रख लिया जाता है। 5 दिन की कथा है तो 4 दिन की बेलपत्र औषधि का कार्य करती है, 5वें दिन की बेलपत्र केवल बरकत का, लक्ष्मी का कार्य करती है, भंडार का कार्य करती है। शिव महापुराण की बेलपत्र का बड़ा महत्व है। आप लोग कभी अगर शिव पुराण का, अगर तुम्हारे घर में अगर शिव पुराण हो तो उसको पढ़ेंगे तो उसमें बेलपत्र का महत्व आएगा। बेलपत्र क्यों शिवपुराण की बेलपत्र की इतनी औषधि है, क्यों शिवपुराण की बेलपत्र को इतना लक्ष्मी की प्राप्ति का केंद्र बिंदु बताया? उसका कारण यह है 12 ज्योतिर्लिंग करने के लिए 12 स्थान पर जाना पड़ता है, उप ज्योतिर्लिंग करने के लिए उप स्थान पर जाना पड़ता है, 4 धाम करने के लिए 4 स्थान पर जाना पड़ता है,
सारी नदी तालाब और सरोवर का स्नान करने के लिए सारे स्थान पर सरोवर पर जाना पड़ता है, सारे कुंड और बावड़ी का स्नान करने के लिए कुंड और बावड़ी पर जाना पड़ता है, पर केवल वेद व्यास जी ने लिखा शिव महापुराण के अंदर कि केवल एक शिव पुराण ऐसी है कि वो शिव पुराण जहां पर रहती है वहां सारे तीर्थ नदी तालाब ज्योतिर्लिंग उपलिंग सवाकर विराजमान हो जाते हैं, और उस शिवलिंग की अर्थात उस पुराण की एक बेलपत्र भी औषधि का कार्य कर जाता है। उस बेलपत्र की इतनी महत्वता बढ़ जाती है, इतनी महत्व। आज पूरे महाराष्ट्र का गौरव का विषय है, आज पूरे महाराष्ट्र को आतिशबाजी चलाना चाहिए, नगाड़े बजाना चाहिए, ढोल बजाना चाहिए पूरे महाराष्ट्र को कि व्यासपीठ की बात को राजसत्ता तक लिया गया और माननीय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने गौ माता को राज्य माता घोषित किया, उसके लिए धन्यवाद। संपूर्ण महाराष्ट्रवासियों को और पूरे देशवासियों को साधुता देते हैं कि आपने इस व्यासपीठ की गरिमा को रखा, इस व्यासपीठ की मर्यादा को रखा और व्यासपीठ से जो शब्दों कहे जाते हैं उन शब्दों को आपने अपने जीवन में उतारकर गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिया, साधुता है, बहुत बहुत साधुता है माननीय मुख्यमंत्री शिंदे जी को, बहुत बहुत साधुता है। और मैं 1008 जगतगुरु शंकराचार्य श्री अभिमुक्तेश्वरानंद महाराज जी को भी धन्यवाद देता हूँ और साथ में गोपाल मणि जी को भी धन्यवाद देता हूँ, साथ में श्री राजेंद्र दास महाराज जी को, 1008 संत शिरोमणि श्री राजेंद्र दास महाराज जी को भी साधुवाद देता हूँ और सारी व्यासपीठों को साधुवाद देता हूँ जिन्होंने गौ माता के लिए बहुत कुछ बोला और आज महाराष्ट्र की सरकार ने गौ माता को राज्य माता घोषित करा, उसके लिए साधुता। और सारे संतों से निवेदन है ये चिंगारी को बुझने मत देना, इस चिंगारी को बुझने मत देना, जो महाराष्ट्र में चिंगारी लगी है कि गौ माता को राज्य माता करा गया है वो चिंगारी बुझने मत देना, वो अग्नि का काम करेगी और एक दिन गौ माता राष्ट्र माता बनकर रहेगी, ये निश्चितता है, वो चिंगारी बुझने मत देना। सनातन धर्म में प्रसाद देने का क्या महत्व है ये हमारी शिव पुराण बताती है। और एक और चीज समझ लीजिए, सनातन धर्म में प्रसाद देने का महत्व बताया तो सनातन धर्म में एक चीज और बताई कि प्रसाद कहां बांटना, कैसे बांटना, कब बांटना, यह भी वर्णन किया गया। अपना और पराये का भेद ना करा जाए तो प्रसाद का वितरण किया जाए, इतना सुंदर कहा, जरा उठाइए सूत्रों को। अब हम आपसे एक प्रश्न कर रहे हैं जो हम पहले बोल चुके हैं वो आज फिर बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है, आज बहुत पहले बोली थी कथा ये वाली, आज इस मरण में आ गई तो बोल रहे सबसे ज्यादा नरक में कौन गिरता है तो कहा प्रसाद बांटने वाला गिरता है, प्रसाद बांटने वाला गिरता है तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों गिरेगा, तो शिव महापुराण में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं प्रसाद हमेशा धर्म की जगह पर बढ़ता है, अच्छी जगह पर बढ़ता है, मंदिर देवालय गुरु परमात्मा की साक्षी में बढ़ता है, परमात्मा कभी गलत जगह कोई डिस्को में कोई डीजे में प्रसाद नहीं बढ़ता, प्रसाद हमेशा अच्छी जगह बढ़ता है। तो प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों चले जाता है, उसका कारण है प्रसाद बांटने वाला जब खड़ा होता है, प्रसाद बांटता है दरवाजे पर खड़े होकर जब प्रसाद देता है, अपना वाला आया और पराया आया, अपना आया तो हाथ ऐसा हो जाता है और पराया आया तो हाथ छोटा हो जाता है, तो वो व्यक्ति नरक चले जाता है। प्रसाद बांटने वाले को चाहिए कि प्रसाद की गरिमा क्या करते, प्रसाद की गरिमा, कल हमने जो देखा यहाँ पर आमदार जी बहुत अच्छा लगा उसके लिए, सुहास अन्ना जी उसके लिए हम साधुता, क्यों आपने उन तीन बेलपत्र के तीन पत्ते में से भी हम बोले भी इनको कि आपको तीन पत्ते की बेलपत्र अगर इनको एक पत्ता देना हो तो दो आप रख लीजिए, तो कहने गुरु जी आप उनका स्वास्थ्य खराब है आप पूरा दे दो, पूरा दे दीजिए आप। ये निर्मल भाव होता है, ये निर्मल स्वभाव आप दे दो।
सरलता का भाव अपने भीतर लेकर आओ, सहजता का भाव अपने भीतर लेकर आओ। जब एक सरलता एक सहजता अपने भीतर आती है, लोग कहते हैं मेरा भोला किसको मिलता है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है भोले को भोला जल्दी मिलता है, भोले को भोला जल्दी मिलता है। भगवान शिव की कथा कर रही है, चिंतन करो, चिंतन करो, चिंतन। असुर सांप को पकड़े हुए हैं, देवता सर्प को पकड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम शंकर का चिंतन कैसे करें। कौन कहता है कि अपना घर छोड़ोगे तो चिंतन होगा, कौन कहता है अपनी दुकान छोड़ोगे तो भगवान का चिंतन होता है, कौन कहता है कि आप अपना काम कारोबार छोड़ दो और बाबा बन जाओ तो भगवान का चिंतन होता है। शिव महापुराण कभी नहीं कहती कि भगवान का चिंतन घर छोड़कर होता है। सारे ऋषि घर छोड़े होंगे, संत घर छोड़े होंगे, पर मेरा भोलेनाथ अपना घर कभी नहीं छोड़ा। वो कैलाश पे रहता था, अपने पत्नी बच्चे परिवार सबके साथ रहता था। मेरा भोलेनाथ उनके बच्चे गणेश जी कार्तिक है, उनके गणेश जी के धर्म पत्नी दो दो रिद्धि सिद्धि, उनके बच्चे शुभलाभ, फिर उनके बच्चे अमोद प्रमोद। भगवान अपने पोते पर पोते तक के साथ में रहते थे। भगवान शंकर अपनी धर्म पत्नी माता पार्वती के साथ रहते, भगवान शंकर अपने गणों के साथ रहते, भगवान शंकर अपने सर्व परिवार के साथ, भगवान शंकर अपना परिवार छोड़कर कहीं नहीं जाते। सारे देवताओं को परिवार के साथ कहीं पर प्रतिष्ठित नहीं किया जाता, पर शंकर के जितने मंदिर हैं, शिवालय जितने हैं, सारे शिवालय में शंकर का पूरा परिवार बैठता है। गणेश जी बैठेंगे, कार्तिकेय बैठेगा, नंदी बैठेगा, पार्वती जी बैठेगी, शंकर जी बैठेंगे, नाग बैठेगा, सर्प बैठेगा, सब बैठेंगे, त्रिशूल रखेगा, डमरू रखेगा, सब कुछ शंकर जी के मंदिर में होगा। शंकर अपने परिवार को छोड़कर नहीं बैठते, शंकर कभी अकेला भी नहीं रहता, शंकर पूरे परिवार साथ रहता है। शंकर कभी नहीं कहते कि तुम अपनी दुकान छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम तुम्हारी खेती छोड़ दो, शंकर कभी नहीं कहते कि तुम्हारी जमीन जायदाद छोड़ दो। शंकर भगवान कहते हैं कि जैसे असुर और देवता सब सांप पकड़कर मंथन कर रहे हैं समुद्र का, और भगवान नारायण कर रहे हैं कि शिव का चिंतन करो, तो इन्होंने पूछा कि हम सांप छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम काम छोड़कर शिव का चिंतन करें, हम शिव का चिंतन करें कैसे। तब भगवान नारायण ने कहा नहीं, काम करते रहो और शिव का नाम जपते रहो, चिंतन हो जाए। काम करते रहो, नाम जपते रहो, शिव का चिंतन हो जाएगा। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, शिव लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु उनके बच्चों के कान में कह देते हैं अपना कर्म करना है, दुकान चलाना है, व्यापार करना है, व्यवसाय करना है, अपना कर्म करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब करो। तुमसे ये नहीं कहते कि तुम काशी में जाकर बैठ जाओ। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत उनके गुरु कहते हैं तुमसे ये नहीं कहते कि तुम कहीं जाकर बैठ जाओ, अपना कर्म करो और कर्म करते करते भगवान का भजन करो। काम करते रहो, नाम जपते रहो, काम करते करते जब नाम जपा जाता है तो उसका फल चौगुना मिल जाता है। घर छोड़कर तप करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर संन्यास धारण करने वाले को जो फल मिलता है, घर छोड़कर अपना परिवार छोड़कर वन में बैठकर तप करने वाले को जो फल मिलता है, उससे चौगुना फल घर में रहकर भगवान का नाम जपने वाले को प्राप्त हो जाता है। हमने कभी तुमसे ये नहीं कहा कि तुम्हारा घर छोड़ो, हम तो एक काम करते हैं, अपने घर से एक लोटा जल भरो, शंकर जी का जो मंदिर पास में है वहां पहुंच जाओ, जो शंकर का मंदिर जो शिवालय तुम्हारे घर के पास में है तुम वहां जाओ और एक लोटा जल समर्पित करो। तुम्हारे घर के पास का जो शिवालय है, तुम्हारे घर के पास का जो शंकर का मंदिर है, वो मंदिर नहीं सारे 12 ज्योतिर्लिंग का केंद्र बिंदु है, वहां जाकर जल समर्पित करो। सारी समस्या का हल आप वहां जाइए, आप शंकर को एक लोटा जल समर्पित करिए। आप शिव के द्वार जाइए, आप शंकर का भजन करिए। जैसे लहर शांत होती है, दुख भी शांत होता है, समस्या भी शांत होती है,
टेंशन भी शांत होता है, पर थोड़ा सा शिव की भक्ति लेयर आई है तो थोड़ा सा उछलने दो, दुख आया है थोड़ा बढ़ने दो, तकलीफ आई है थोड़ा आएगा, कष्ट आया है थोड़ा आएगा, तकलीफ आई है थोड़ा आएगा, चिंता ना करो, शंकर की भक्ति करो, धीरे 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 शांत हो जाए। अपने स्वभाव को, अपने मन को, अपने चित्त को विचलित मत होने दो। कल एक माता ने प्रश्न कर भेजा था, गुरुजी हम हमारे पूर्वजों के लिए हम बाहर चले गए थे तो हमने हमारे पितरों के लिए भोजन नहीं करा पाए, हमारी सास की तिथि थी दूज की, हम बाहर चले गए तो हमने भोजन नहीं कराया। फिर उसने पत्र में लिखा, कोई होगी माँ, उसने पत्र में लिखा कि हमारे पति तर्पण भी करते थे तो हम वो तर्पण भी नहीं कर पाए। फिर कहा कि हम हमेशा सीधा भी देते थे, आटा चावल दाल शक्कर सब मिला के हम कहीं देकर आते थे, हम वो भी नहीं दे पाए। हमारे दो दूज की तिथि का जो तिथि थी हमारे दादा ससुर की, वो बुरा लग जाएगा उनको, उनको पितृदोष लग जाएगा, वो पितृदोष लग जाएगा तो हम क्या करें, हम क्या करें। और गुरुजी उसने पत्र में लिखा कि हम उस समय पर थे नहीं और तिथि निकल गई, हम भोजन नहीं करा पाए ब्राह्मण को, हम किसी को सीधा नहीं दे पाए, हम किसी को गाय की रोटी नहीं दे पाए, हम स्वान कुत्ते का भोजन नहीं दे पाए, हम कौवे का भोजन नहीं दे पाए, हम करें तो करें क्या, हम सीधा भी नहीं दे पाए, हम क्या कर सकते हैं। शिव महापुराण की कथा में एक बड़ा सुंदर चरित्र आता है, जब भगवान देवाधिदेव महादेव विराजमान थे, पितृलोक से पितरों को, पितरों के स्वामी आर्यमा, पितरों के स्वामी आर्यमा लेकर आए थे कौए पर बिठाकर, और पृथ्वी पर उनको छोड़ा गया। कितने दिन के लिए, जम के बोलो, 16 दिन के लिए। बहुत ध्यान से सुनना कथा को, 16 दिन के लिए पृथ्वी पर पितरों को आर्य ने, पितरों के जो स्वामी थे आर्यमा, कौए पर बिठा कर लाए और उनको, सारे पितृलोक के जितने जीव थे सबको पृथ्वी पर छोड़ दिया, पितृलोक पूरा खाली, पितृलोक पूरा खाली, पूरा खाली, सारे पितर पृथ्वी पर आ गए, सारे पितर। अब पितर पृथ्वी पर आए, आर्यमा स्वामी पितरों के देवता कौए पर लेकर आए, नीचे छोड़ दिया पृथ्वी लोक पर, मृत्यु लोक पर। ये पृथ्वी लोक किसका, बैकुंठ भगवान विष्णु का है, ब्रह्म लोक ब्रह्मा जी का है, इंद्र लोक इंद्र का है, गरुण लोक गरुण का है, वरुण लोक वरुण का है, सर्प लोक सर्पों का, पताल आदि सब सबका। ये पृथ्वी किसकी है, जम के बोलो, ये मृत्यु लोक का स्वामी कौन है, देव अधिदेव महादेव। मृत्यु लोक का स्वामी कौन, भगवान शंकर, भगवान शिव। जब आर्यमा स्वामी पितरों को लेकर आए पृथ्वी पर लाकर छोड़ा, भगवान शंकर के सामने जाकर आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ शंभू त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी है शिव, कृपा करिए। शंकर भगवान ने पूछा, क्या बात है आर्यमा, आर्यमा क्या हुआ। आर्यमा स्वामी ने कहा, बाबा भोलेनाथ 16 दिन पितरों के पूर्ण हो जाएंगे, अमावस्या के दिन पितर अपने अपने पितृलोक में चले जाएंगे, सारे पितर पितृलोक में पहुंच जाएंगे, सारे पितर। आज पितरों की चतुर्दशी है, 14 है, कल अमावस्या है, बहुत सावधानी से सुनना, पूरे राष्ट्रवासियों से निवेदन है, इस कथा का स्मरण रखिएगा, अपने बच्चों को भी सुनाना, और टीवी चैनल की ये क्लिप अगर मिल जाए तो सारे विश्व में पहुंचाना कि ये पितरों का स्वामी आर्यमा स्वामी क्या कह रहा। पितरों के स्वामी आर्यमा स्वामी कहते हैं, प्रभु प्रभु, हे शिव शंकर, हे ओघड़दानी, हे भोलेनाथ, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, आपसे निवेदन है, 16 दिन श्राद्ध में पितृलोक पूरा खाली हो गया, पितरों को लाकर मैंने मृत्यु लोक में छोड़ दिया, सारे पितर सारे पूर्वज जितने मर कर चले जाते हैं वो 16 दिन पृथ्वी पर आकर इन जीवों के रूप में फिरते हैं, दिखते नहीं हैं, जीव के रूप में रहते हैं, अणु जैसे। आपको क्या कहें, आप में से किसी ने एकाध बार ऐसा करा है क्या कि धूप में से कांच की रोशनी को छांव में दिखाओ, किसी ने करा, धूप की रोशनी में से कांच में से छांव में दिखाओगे तो वो जो रोशनी जा रही है ना उसमें छोटे छोटे कण नजर आते हैं, किस किसने करा जरा हाथ उठाओ जरा, हमने बचपन में करा।
एक छोटा सा कांच का टुकड़ा लिया और उस कांच के टुकड़ों को धूप में से दिखाया, छांव में दिखाया, तो उस धूप में से दिखाने में उसमें एक रोशनी दिखती है। उस रोशनी में छोटे छोटे कण नजर आते हैं, छोटे छोटे कण नजर आते हैं। जितने छोटे कण उस रोशनी में नजर आते हैं उससे भी हजार गुना छोटा कण कर लो, उन कणों के रूप में पितर पृथ्वी पर विराजमान रहते हैं 16 दिन तक। कणों से भी कण छोटे, जीवात्मा के रूप में संसारवासियों के भीतर एक कण के रूप में वो आते हैं। लोकते पितर आते हैं जरूर मृत्यु लोक में, आकर अपने अपने पूर्वज अपने अपने दरवाजे पर आकर खड़े होते हैं। जो गया है वो आंस लेकर आता। पितरों के आर्यमा स्वामी ने कहा कि ये 16 दिन सारे पितर पृथ्वी पर रहे, पितृलोक खाली हो गया, ये सब पितृलोक से आए हैं, इनके परिवार वाले भोजन देंगे, ये आस लेकर आए हैं। क्योंकि जैसे घर की बहू को सास से आस रहती है कि मेरी सास मुझे सोने की अंगूठी देगी, मेरी सास मुझे पायल देगी, मेरी सास मुझे वस्त्र देगी, मेरी सास मुझे ये देगी, उसी तरह घर के जो जीव चले गए, जो मर गए, जो शांत हो गए, जो चले गए, उनको आस रहती है कि हमारे घर का परपोता, हमारे घर का पोता, हमारे घर का बेटा, हमारे घर की बेटी, हमारा दामाद, हमारा रिश्तेदार हमको भाग देगा। पहले घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो नाना के घर जाते हैं, वहां नहीं मिलता तो फिर दूसरे बेटी दामाद के घर जाते हैं, कहीं से कुछ मिल जाए। तो आर्यमा स्वामी ने कहा अपने भोले बाबा से, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, ये 16 दिन श्राद्ध के पितर रहते हैं पृथ्वी पर, आखिरी में अमावस्या के दिन ये अपने घर को जाते हैं। बाबा, इनमें से कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता, जैसे उस बहन ने लिखा कि मैं नहीं थी। कई पितर ऐसे हैं जिनको भोजन नहीं मिल पाता। कोई एक साधन ऐसा बता दो शंकर भगवान, कोई एक साधन ऐसा बता दो भोलेनाथ कि अगर 16 दिन पितरों की कोई गलती भी हो गई हो, पितरों को भाग भी ना मिला हो, पितरों का अपमान भी हो गया हो, तो आखिरी दिन ऐसा कोई उपाय बता दिया जाए, आखिरी दिन ऐसा कुछ कर दिया जाए जिससे सारे पितर तृप्त होकर आशीर्वाद दें और उनके वंश को आगे बढ़ाने का, फलने फूलने का वर देकर पितर अपने घर को चले जाए। भगवान देवादि ने महादेव मुस्कुराकर माता पार्वती जी की ओर देखे और माँ जगत जननी भगवान शिव की ओर देखी और भगवान शंकर ने कह दिया, सुनो आर्यमा, जितने पितर आप पितृ लोक में वापिस लेकर जाओगे, अगर वो पितर, पितरों का नियम है 16 दिन श्राद्ध में खाते हैं, भोजन करते हैं अपने अपने धूप में, आप लोग घी शक्कर छोड़ते हो कंडे के ऊपर, गोबरी के ऊपर, ये धूप में आप दे देते हो, गाय के रूप में, कुत्ता के रूप में, पक्षी के रूप में दे देते हो। तो भगवान शंकर ने कहा सारे पितर 16 दिन भोजन करते हैं, अमावस्या के दिन इन पितरों को आप नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, सरोवर, जो पानी का स्थान हो, कोई नदी हो, कोई तालाब हो, कोई बावड़ी हो, कोई कुआं हो, कोई सरोवर हो, ये सारे पितर वहां पानी पीने के लिए आते हैं, जल पीने के लिए पितर पहुंचेंगे। अपने गांव में जो नदी है, तालाब है, बावड़ी है, कुआं है, हैंडपंप है, हाथसी है, जो है उसके पास में ये जल पीने के लिए पहुंचेंगे। तो सुनो आर्यमा स्वामी, अगर संसार में रहने वाला मनुष्य पितृ पक्ष की अमावस्या को, पितृ मोक्ष अमावस्या को, जो कि कल 2 अक्टूबर की है, पितृ पक्ष की अमावस्या, पितृ मोक्ष अमावस्या जो कि कल 2 अक्टूबर की है, अगर पितृ पक्ष अमावस्या के दिन प्रदोष के समय पर, प्रदोष का समय जानते हो ना, सूर्यास्त के समय जब होता है, प्रदोष का समय अगर घर का व्यक्ति एक घी का दीप लेकर उस जलाशय, नदी, तालाब, बावड़ी, कुआं, हेडपंप, जो उसके पास में हो, जो जलाशय पास में हो, वहां पहुंचकर प्रदोष काल में दक्षिण की ओर दिया जो लगेगा उसमें बत्ती लंबी लगेगी, गोल बत्ती नहीं, कौन सी बत्ती, लंबी बत्ती, लंबी बत्ती जानते हो सब लोग, कपास की जो बाती होती है वो लंबी वाली, गोल बाती नहीं, फूल बाती नहीं, लंबी बाती, कपास की बाती को लंबा कर वो बाती घी के दिए में रखकर बाती का मुख दक्षिण का कर अगर दीप प्रज्वलित किया जाता है तो वो घर के पितर कभी बद्दुआ नहीं देते, उन पितर आशीर्वाद देकर ही जाते हैं। हमसे अगर अपमान हो गया, भोजन ना करा पाए, भाग ना दे पाए, कुछ तकलीफ हो गई, कोई कष्ट आ गया, हम हमारे पूर्वजों को नहीं पूछ पाए, तो पितृ मोक्ष अमावस्या के दिन, मतलब कल 2 अक्टूबर को शाम के समय प्रदोष काल में अपने पास में जो नदी हो, अपने पास में जो बावड़ी हो, अपने पास में जो कुआं हो, अपने पास में जो हापसी हो, अपने पास में जो हो तुम्हारे नजदीक में, और अगर कुआं, बावड़ी, हापसी, तालाब कुछ भी नहीं हो तो पीपल का पेड़ या बड़ का पेड़,
पट वृक्ष या पीपल का वृक्ष या बेलपत्री का वृक्ष, इसके नीचे अगर तालाब नदी कुआं बावड़ी नहीं है तो उस वृक्ष के नीचे अगर दक्षिण की ओर बाती का मुख कर दिया जाए और वहीं पर बाती को जला दिया जाए, उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया जाए और अपने पूर्वजों को प्रणाम कर कर वापिस अपने घर पर आइए, पितृ दोष कभी नहीं हो सकता, पितृ शांत ही रहे, पितृ शांत ही रहे। भगवान शिव कहते हैं सुनो आर्य मां स्वामी, ये प्रदोष काल का समय मेरा, और शंकर भगवान कहते हैं ये मेरा और पार्वती के भ्रमण का समय है, प्रदोष काल का समय। 33 कोटि देवता भगवान इंद्र अपनी इंद्राणी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, नारायण भगवान अपनी लक्ष्मी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, 33 कोटि देवता अपनी अपनी धर्म पत्नी के साथ रोज घूमने नहीं जाते, पर केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो अपनी धर्म पत्नी के साथ नंदी पर बैठकर प्रत्येक दिन प्रतिदिन प्रदोष काल में शाम के समय मेरे शंकर पार्वती भ्रमण पर जाते हैं। भ्रमण आर्यमा स्वामी, प्रदोष काल में मैं और पार्वती दोनों नंदी पर बैठ कर जाएंगे, नंदी पर बैठ कर जाएंगे और जिस सरोवर जिस तालाब जिस बावड़ी जिस कुआं जिस स्थान पर लोग दीप दान कर रहे होंगे वहां के सारे पूर्वजों को पितरों को हम स्वयं अपने नंदा कर पितृ लोक छोड़कर आएंगे। ये शिव तत्व है, ये शिव तत्व है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ पाए अपने हृदय से, लगा लो गिरा जा रहा हूँ उठा लो। बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। पितृपक्ष की अमावस्या मतलब 2 अक्टूबर भगवान देवाधिदेव महादेव खूब आनंदमय भाव से अपने पितरों के निमित्त जलाशय नदी तालाब बावड़ी कुआं जो तुम्हारे पास में हो वहां जाकर घाट पर दीप दक्षिण की बाती लगाकर उसको प्रज्वलित अवश्य करें, अवश्य। कोई मौका मिल जाए दान पुण्य करने का तो करो, सत्कर्म करने का मिल जाए सत्कर्म करो, भजन करने का मिल जाए भजन करो, स्मरण करने का मिल जाए स्मरण। हम फिर वापिस अंजुम ताई जी को और आमदार सुहास अन्ना जी को बहुत बहुत साधुवाद देते हैं। ताई, इतने सारे भक्तों को शिव भक्तों को भोजन कराने के लिए लोग आमंत्रित करते हैं, पर श्राद्ध पक्ष में आपके इतने शिव भक्त नांदगांव के जो इस सामने बनी भोजनशाला में भोजन कर रहे हैं ताई, उसके लिए आपको साधुता देते हैं, बहुत बहुत साधु का इतना शिव भक्त, मेरे ओघड़ी शंकर का इतना भक्त, आपकी जो सामने भोजन भंडारा चल रहा है उसमें इतने शिव भक्त अगर भोजन कर रहे हैं तो ताई आपको बहुत बहुत साधुवाद है, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अन्ना जी आपको बहुत साधुवाद। कितना लोग तड़पते हैं कि हमारे घर लोग आए और श्राद्ध पक्ष में मुख झूठा करें, इतने नांदगांव के इतने शिव भक्त आपकी उस भोजनशाला में मुख झूठा कर रहे हैं, उसके लिए साधुता आपको, श्री शिवाय नमस्ते, साधुता है, बहुत बहुत साधुता। कितना और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भभूत खजाना कुबेर का, गंगधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले ओंकार आयो शरति हार शंभु तार तार बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का चपटी भूत खजाना कुबेर का, गंगधार मुक्ति द्वार
भोले ओमकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तारकार ये हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, ये हमारा राष्ट्र हमको सिखाता है, हमारा सनातन धर्म हमको सिखाता, ये हमारा शिव तत्व हमको सिखाता है। कल उस माता ने एक प्रश्न और लिखा था, गुरुजी श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है? अरे भाई मेरी जीजी, मैं आपको हाथ जोड़कर प्रणाम करकर निवेदन करना चाहूंगा कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है, किसी साइंटिस्ट से पूछें, किसी वैज्ञानिक से पूछें, किसी रिसर्च सेंटर से पूछें कि कौवे को श्राद्ध में भोजन क्यों दिया जाता है। हमारा सनातन धर्म साइंस से जुड़ा हुआ है, हमारे शास्त्र, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे जितने वेद पुराण शास्त्र सब साइंस से जुड़े हुए हैं। और हमारा शास्त्र कहता है कि श्राद्ध में कौवे को भोजन क्यों दिया जाता है, उसका एक कारण है, श्राद्ध का भोजन कौवा जब करता है, कौवा भोजन करने के बाद, उस भोजन को करने के बाद, उस भोजन को पचाने के लिए कौवा पीपल के वृक्ष पर बैठता है। कौवा जब पीपल के वृक्ष पर बैठता है तो पीपल के वृक्ष के फल को, उसके पत्ते को, उसकी जड़ को, फल को खाना प्रारंभ करता है। कौवे का श्राद्ध का भोजन ऐसे ही नहीं पच जाता, कौवा पीपल के फल को खाता है। पीपल के फल को खाता है तो वो फल खाया हुआ कौवा किसी दीवाल पर, किसी भूमि पर अपनी बीट करता है तो वहां पीपल का पेड़ उत्पन्न हो जाता है, जिससे सनातन धर्म की मजबूती होती है। पीपल का वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, पीपल का वृक्ष क्योंकि वो प्रकृति की रक्षा के लिए है, प्रकृति की रक्षा। आ जाओ श्राद्ध पक्ष का, श्राद्ध पक्ष का वो भोजन कौवा पचा नहीं पाता। पीपल का फल खाता है, भोजन पचाता है। कितना विचित्र है हमारा सनातन धर्म, जरा देखिए कि एक पक्षी भी एक वृक्ष को लगाने की दम रखता है तो आप और हमारा भी फर्ज बनता है कि कम से कम अपने पूर्वजों के नाम से एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए, एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। ये सनातन धर्म की मजबूत है, सनातन धर्म की। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से, बखान क्या करूं काकों के ढेर का, चपटी बहुत में खजाना कुबेर, गंग धार मुक्ति द्वार ओंकार तू भोले ओंकार तू आयो शरण तिहारी शंभु तारकार। चारों तरफ प्रकाश करने की सामर्थ्यता सनातन धर्म की है, सनातन धर्म। और बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी से स्मरण रखिएगा, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात्रि में चंद्र प्रकाशित करता है, दिन में सूर्य प्रकाशित करता है, रात को चंद्रमा प्रकाशित करता है, रात को चंद्र प्रकाश करता है, और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। यह हमारा सनातन धर्म है।
दिन में सूर्य प्रकाश करता है, रात में चंद्र प्रकाश करता है और तीनों लोक में सनातन धर्म प्रकाश करता है। यह हमारे सनातन धर्म की मजबूती, इसका प्रकाश भूमंडल पर सदा आनंद देने वाला है। आनंद सारी समस्या का हल, जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। प्रतिदिन चढ़ाइए, प्रतिदिन शिवालय जाइए, प्रतिदिन शंकर के द्वार जाइए, प्रतिदिन शंकर का स्मरण करिए, फिर कथा करिए। चिंता और चिंतन में अंतर है, बहुत अंतर है। वही चिंता चिंतन की कथा चल रही है, वही समुद्र मंथन की कथा चल रही है, वही समुद्र मंथन की कथा। असुरों को गुस्सा आ गया, असुरों ने सोचा हम काय को शंकर जी को जल चढ़ाए, हमें क्या करना शंकर जी को जल चढ़ा। अरे भाई, सुमा पुराण की कथा कहती है, चाय और चरित्र जिस पर गिरते हैं, जिस पल गिरते हैं, दाग जाता ही नहीं है। चाय का भी दाग नहीं जाता, चरित्र का भी दाग नहीं जाता। इसलिए सावधान, बहुत सावधान। मेरे भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण विश्व की बेटियों से निवेदन है, परसों से नवरात्रे चालू हो रहे हैं, सनातन धर्म की शुरुआत का ये एक अनूठा त्यौहार है नवरात्रि का त्यौहार। मेरा संपूर्ण भारत की बेटियों से निवेदन है, संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है, इस व्यासपीठ के माध्यम से, इस नांदगांव की व्यासपीठ के माध्यम से संपूर्ण जगत की बेटियों से निवेदन है कि आपसे निवेदन है कि अगर गरबे में जा रही हो, गरबा खेलने के लिए जा रही हो, निवेदन है हमारे सनातन धर्म की मर्यादा के साथ जाना। वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो, वस्त्र ऐसा पहनकर जाना जो मर्यादित हो। हमारी मर्यादाओं को गिराने वाले वस्त्र पहन कर ना जाइएगा। मेरा बेटियों से निवेदन है, और इस भूमि से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये हमारे बीच में बैठी अंजुमताई, स्वअंजुमताई, मैं आपके सम्मुख में ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप यहां की सारी बेटियों को, सारी महिलाओं को एक ऊर्जा देते, अगरबत्ती बनाने का, धूपबत्ती बनाने का, कप बनाने का, बेग बनाने का, यह करने का, आप बेटियों को ऊर्जा देते। इसलिए इस व्यासपीठ से यह शब्द निकला कि मेरा भारत की बेटियों से निवेदन है कि अपनी मर्यादा ना भूलें, अपने तन पर जो वस्त्र धारण करके आप जाएं कथा, आप उसमें गर्वे के अंतर्गत तुम मर्यादित वस्त्र पहनकर जाना, मर्यादा से हटकर वस्त्र ना पहने, मर्यादित वस्त्र का स्मरण किया। एक ऊर्जा आपके भीतर हो और वो ऊर्जा आपके अंदर रहना चाहिए। जो महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, चाय गिरी कपड़े पर, दाग नहीं गया, चरित्र गया, दाग नहीं गया, नहीं गया। आप उसको मजबूत बनाए, उसको प्रबल बनाए। असुरों ने कह दिया, राक्षसों ने कह दिया, हम मंथन कर रहे हैं, हम शंकर को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शिव जी को जल नहीं चढ़ाएंगे, हम शंकर का चिंतन नहीं करेंगे। भगवान विष्णु ने कह दिया, चिंतन तो करना पड़ेगा, आप काम करते रहो और काम करते करते, समुद्र मंथन करते करते शंकर को याद करिए। शिव को याद किया, समझ लो कि शंकर का अभिषेक हो गया, शिव को याद किया, समझ लो शंकर का भजन हो गया। तुम याद एक पत्र, हम एक दिन की कथा सुनने के लिए मालेगांव आ गए और मालेगांव में एक दिन की कथा सुनी, और कथा सुनने के बाद मेरे पति और मैं, मेरी पत्नी, हम दोनों मालेगांव से एक दिन की कथा सुनकर चल दिए, क्योंकि मेरे नशा करने की आदत थी, नशा छूटता नहीं था। कथा पूरी हुई 5 बजे, हम घर गए, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया, जल चढ़ाकर मैंने आचमन करा। मुझे क्या मालूम था कि मेरी पत्नी कथा के पंडाल की, जहां कथा का पंडाल लगा था वहां की मिट्टी मेरे को लगा देगी, वहां की मिट्टी मेरी पत्नी ने मेरे को लगाया, और ना जाने मुझे क्या हुआ गुरुदेव, उस मालेगांव की एक दिन की कथा के बाद आज तक मैंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया, छोड़ दी। मैं नहीं जानता गुरुजी की इस शिव महापुराण की मिट्टी में क्या होता है, मैं नहीं जानता गुरुजी की शिव महापुराण का कंकर शंकर का क्या होता है, मैं नहीं जानता कि शंकर की भक्ति क्या होती है। एक दिन की कथा, मात्र एक दिन की कथा हमारे जीवन को सवार दे। एक एक दिन, एक पल, एक घड़ी, जो 30 साल से मदिरा का नशा कर रहा हो, उसका नशा छूटे कैसे, कैसे छूटे। आए क्या, आ जाओ, Thank you.
सकती। दुनिया के लोग कहें कि कथा में क्या मिलता है, आपसे निवेदन है, कल तो मासिक शिवरात्रि थी, आज हमारे शिव महापुराण की शिवरात्रि है। आपको मालूम होगा शिवपुराण में छठे दिन शिवरात्रि रहती है, शिवपुराण की शिवरात्रि क्यों रहती है, क्योंकि आज के दिन रात में लोग पूरी रात संकीर्तन करते हैं। और मैं भाऊ आपको धन्यवाद दूंगा, अन्ना जी आपको साधुवाद दूंगा कि आपको क्या मालूम कहाँ से मालूम पड़ जाता है कि छठे दिन की रात्रि शिवरात्रि रहती है, और आपने आज रात्रि को भजन का आयोजन भी रखा है, तो उसके लिए साधुवाद है, क्योंकि आज की रात्रि हमारे यहाँ कथा में शिवरात्रि मनाई जाती है। आज के दिन रात भर शिव भक्त आते हैं, आसपास के क्षेत्र में जितने शिव भक्त होंगे वो पूरी रात आएंगे, भजन करेंगे रात भर पंडाल में, रात भर भजन कर सुबह 8 बजे की कथा सुनेंगे, 11 बजे लोग अपने घर को चले जाएंगे, 7वें दिन की कथा पूरी सुनेंगे। और भाग्यशाली हैं आप सब जो बाबा की कृपा से आज भजन कीर्तन का भी आयोजन इन्होंने रखा, जिससे सभी लोग उस भजन का आनंद ले सकें, मौका मिले आप भक्ति बनिए, मौका मिले। महाराज शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, पवित्र चरित्र कह रहा है भगवान शंकर का। देवता और असुर मिलकर मंथन कर रहे हैं, भगवान नारायण ने कहा कि असुरों को भी और देवताओं को भी, किन्नर को भी, गंधर्व को भी, नागों को, अप्सराओं को, सबको कहा कि ये जो मंथन हो रहा है इसमें शिव का चिंतन करिए। जब दुख मंथन हो, इसका स्मरण रहिएगा थोड़ा सा, अगर मान लो थोड़ा सा दुख अपनी जिंदगी में ज्यादा आ गया, थोड़ी तकलीफें ज्यादा आ गई, थोड़ी समस्या ज्यादा आ गई, थोड़ी परेशानियां ज्यादा आ गई, हिम्मत ना हम दुख में, तकलीफ में, कष्ट के समय पर अपनी मेहनत को 4 गुना करिए। कोई कंपटीशन एग्जाम देने बैठ रहे हो, कोई परीक्षा देने बैठ रहे हो, कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जाकर जॉब करने की तैयारी, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, अभी तक जितना पढ़ा था उससे ज्यादा पढ़ाई करिए, अभी तक जितनी मेहनत करी थी उससे ज्यादा मेहनत करिए। और फिर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्र शहद चढ़ाकर बाबा से विनय कर चले जाए, मेहनत 4 गुनी करना। और जब आप भगवान पर आश्रित हो जाती है, एक पत्र मेरा नाम सुरेखा बाबूलाल राठौड़ है, मेरा पता मोला डोंगरी तालुका नांदगांव नासिक। मोला डोंगरी है कि मैला डोंगरी है, तुम समझ गए ना, बस ठीक जाने दो, तुम्हें समझ में आना चाहिए, बाकी के तो सब चल जाएगा। मेरा नाम सुरेखा बाबूलाल राठौड़ है, मेरा पता डेस तालुका नांदगांव नासिक है, ठीक है, कहीं बैठी हैं, आ जाओ एक बिलपत्र ले जाना, आ जाइए, बच्ची आई हो तो उसको भी ले आइए। मैं तालुका नांदगांव नासिक की रहने वाली हूँ, मैं सबसे पहले माननीय सुहास अन्ना कांदे जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिनकी वजह से हमें नांदगांव वासियों को ये कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला। गुरुजी आपके एक लोटा जल में क्या वर्णन करूं, मेरी छोटी बेटी 11th क्लास में पढ़ती है, रात को उसको पेट में दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा तकलीफ होने के बाद में हम उसको नांदगांव हॉस्पिटल में, वर्धमान हॉस्पिटल में लेकर गए, हॉस्पिटल में लेकर गए तो डॉक्टरों ने दवाई वगैरह दे दी, जाँच वाँच चालू हुई, और जाँच होने पर पता चला कि इसका अभी की अभी 1-2 दिन के अंदर ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। बच्चे का ऑपरेशन करने के लिए जब बोल दिया गया हम घबरा गए, तब हमने विचार करा कि इसको और भी हॉस्पिटल में दिखाएंगे, हम उसको लेकर 40 गांव के हॉस्पिटल में पहुंच गए, 40 गांव के हॉस्पिटल में भी हमने बताया तो वहां के डॉक्टरों ने भी कहा कि इसका ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। अब हम घबरा गए, करें तो करें क्या,
11th क्लास की मेरी बेटी और इसका ऑपरेशन कराना, ये कहाँ तक श्रेष्ठ कर है। तब हमने किसी के कहने पर, हॉस्पिटल के बाहर एक ऑटो वाले के कहने पर हमने शंकर जी को जल चढ़ाया, शिव जी का चढ़ा हुआ जल हमारी बेटी को देना प्रारंभ करा। किसी ने हमको भगवान शंकर का रुद्राक्ष सीहोर का लाकर दे दिया, हमने उसी को तांबे के कलश में गलाकर शंकर को चढ़ाकर वो पानी अपनी बेटी को देना प्रारंभ करा। और हम 40 गांव 4 दिन के बाद में बेटी को ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब बेटी को ऑपरेशन के लिए लेकर गए तो वहां पर डॉक्टरों ने ऑपरेशन के पहले जांच करा और जांच में आकर कह दिया कि इसको अब ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, तुम्हारी बेटी पूर्ण तरह से ठीक हो चुकी है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। आ जाइए अगर आए हो। मेरा नाम सुरेखा बाबूलाल राठौड़ है। मेरा पता देश तालुका नांदगांव नासिक है। ठीक है, शिव कृपा। अजब पिताजी को भी जानते। अजब अजब बेटी कह रही है, मम्मी पापा दोनों रो रहे थे कि बेटी का जीवन है और ऑपरेशन का डॉक्टर बोल दिया है। पर बेटी कह रही है कि मेरे एक लोटा जल पर इतना भरोसा था और मैंने मेरे मम्मी पापा से कह दिया था कि भले ऑपरेशन के लिए ले जाऊं पर मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, मेरा बाबा सा। एक पत्र और बड़ा सुंदर है। मैं दीपक प्रभाकर मुकाम पोस्ट पीपल कोठा तहसील एरंडोल जिला जलगांव महाराष्ट्र से हैं। कहीं बैठे हैं, आ जाइए एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। एरंडोल तहसील से जलगांव महाराष्ट्र के हैं। मैं बाबा कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का वर्णन करना चाहता हूँ। गुरुदेव, मुझे एक लड़का और एक लड़की है, मेरी पत्नी, हम सब मिलकर बाबा का धन्यवाद देने के लिए आए। गुरुदेव, 8-9 महीने पहले मुझे चक्कर आने लगे और मैं गिर गया। हॉस्पिटल में लेकर गए, जलगांव के अस्पताल गया, डॉक्टर ने मुझे एडमिट होने के लिए कहा। मुझे पता नहीं चला कि मुझे क्या हो गया। तब रोते हुए मेरी आंख भर आई, डॉक्टर ने बताया कि आपकी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया, आपकी दोनों किडनियां बेकार हो चुकी हैं, दोनों किडनियां काम नहीं कर रही हैं, या तो किडनी ट्रांसप्लांट कराया जाए या फिर आपका जीवन इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अगर एक किडनी भी थोड़ा काम कर रही होती तो आपका जीवन आपको चल जाता, पर मेरी दोनों किडनियों ने काम करना बंद कर दिया। मेरा पूरा परिवार रोने लगा। गुरुदेव, तब करते तो क्या करते, एक जगह दिखाया तो कहा कि किडनियां पूरी खराब हो चुकी है, दूसरी जगह डॉक्टर को दिखाया किडनी लीवर दोनों खराब हो चुके हैं, तीसरी जगह दिखाया तो भी, मुंबई तक हमने जांच करा लिया तो भी, मुंबई ले गए, नासिक ले गए, संभाजी नगर ले गए, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिससे हमने बात नहीं करी और सभी ने एक ही बात कहा कि आपकी दोनों किडनियां खराब हो गई हैं और एक किडनी या दो किडनी ट्रांसप्लांट कराना ही पड़ेगा। तब हम हताश हो गए और हताश होकर हम देवाधीदेव महादेव के मंदिर जाना चालू कर दिया, शिव जी को जल चढ़ाते, आचमन कर लेते, सीहोर गए, वहाँ का कंकर शंकर लिया है और रुद्राक्ष का जल पीना प्रारंभ करा। आज मैं आमदार साहब सुहास अन्ना जी कांदे जी को, अंजुम ताई जी को यहाँ से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ कि आज उन्होंने आपसे मिलने का मौका दिया और अब हमारा स्वास्थ्य ठीक हुआ, हम बाबा को धन्यवाद देते हैं। ये शिव तत्व है, ये घड़ी है। अजय, एक बार जोरदार ताली बजाएं, जिनकी दोनों किडनियां बेकार हो गई थी मुंबई, आधिकाधिक सभी डॉक्टरों ने किडनियों को बेकार कह बताया और शंकर पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल और शिव पर चढ़ी हुई एक बेलपत्र हमारे जीवन को सुख प्रदान करते हैं। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल
जम के बोलो जरा, सारी समस्या का हल केवल एक लोटा जल। जब समस्या हो, जब दुख हो, जब तकलीफ हो, जब कष्ट हो, शिव के पास जाइए, अपना एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, दिल से बाबा को रिझा दीजिए, दिल से शिव कथा कर दीजिए। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुख डाना, मेरी लगी परी दीनू बाबा तू है बेना। चिंतन करो, शिव महापुराण की कथा कहती है चिंता को त्याग और चिंतन करो, शिव का चिंतन। शंकर भगवान जैसा चिंतन जिंदगी में सुख प्रदान कर देता है, मां जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता, दुनिया में कोई नहीं दे सकता मां जैसा प्यार, पिता जैसी वफादारी और महादेव जैसा साथ दुनिया में कोई नहीं दे सकता, जो मेरा देवदीन महादेव देता है तुम्हारे हारने के समय, तुम्हारे दुख के समय, तुम्हारे कष्ट के समय, तुम्हारी तकलीफ के समय, तुम्हारे को दुख और कष्ट के समय पर अगर एक लोटा जल चढ़ाने के लिए शिव के पास गए हो, तुम्हारा हाथ मेरे देवदीन महादेव ने पकड़ लिया है, मेरे शंकर ने, मेरे ओघड़ी ने पकड़ लिया, उस पर आश्रित हो जा, आश्रित। जब हम उस पर आश्रित होंगे तो वो क्यों ना संभालेगा। हमने पहले कथा में कहा था, बच्चा टेबल पे से कूदता जब है जब उसके माँ बाप होते हैं, बच्चा टेबल पे से जब कूद रहा है जब उसके माता पिता बैठे हुए हैं तो देखता है मेरे मम्मी पापा मुझे संभाल लेंगे। आप भी उस बच्चे जैसे बन जाओ, शंकर के भरोसे जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी चित्तवृत्ति में है, जो तुम्हारे मन में है आगे बढ़ने के लिए, तुम्हारे को जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए जो करना है आगे बढ़ने के लिए, तुम शंकर के भरोसे कूद पड़ो और बाबा देवदीन महादेव संभाल लेगा। अपनी लगनता से, अपनी मेहनत से, अपने कर्म के प्रति जागरूकता से बढ़ते जाओ। असुरों ने कह दिया हम जल नहीं चढ़ाएंगे, भगवान नारायण ने कह दिया मन से स्मरण करो, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, जल चढ़ाने की जरूरत नहीं, तुम कहीं मत जाओ, दिल से, हृदय से, चित्त से भगवान शंकर को याद करो। चिंतन किया, चिंतन किया तो फल ये मिला कि भगवान शंकर आकर प्रकट हो गए। शिव जी ने कहा नारायण क्या बात है, भगवान नारायण ने कहा प्रभु ये विष निकला है और हलाहल विष कोई लेने को तैयार नहीं, इस विष का हम करें क्या, इस विष को हम कहां लेकर जाएं, ये विष हम किसको दें, ये जहर हम किसको दें, ये भी श्रम किसको प्रदान करें। भगवान शंकर मुस्कुराकर कहते हैं तुम चिंता ना करिए नारायण, यह हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए, यह हलाहल विष आप मुझे दे दीजिए, लाओ ये विष मुझको दो, दीजिए मुझे विष। उसी समय पर देवऋषि नारद का आगमन हो गया। देवऋषि नारद आ रहे हैं, देवऋषि नारद का आगमन होता है और मेरी नस नस बोले हरी हरी, श्रीमन नारायण नारायण हरी, श्रीमन नारायण मेरा रोम रोम बोले हरी हरी, मेरा रोम रोम बोले हरी हरी, श्रीमन नारायण नारायण हरी हरी, श्रीमन नारायण।
ऋषि नारद का आगमन हो गया। देव ऋषि नारद आए, भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, भगवान शंकर के हाथ में विष का पात्र है, हलाहल विष भरा हुआ पात्र है, और हलाहल विष भरा हुआ पात्र जब भगवान शंकर पीने वाले थे, देव ऋषि नारद आकर खड़े हो गए। देव ऋषि नारद ने कहा, बाबा वो गर्दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी हे शिव, आपको मालूम है ये वो विष है जिसको पृथ्वी भी नहीं झेल सकती, ये वो विष है जिसको जल भी नहीं झेल सकता, ये वो विष है जिस विष को आकाश भी नहीं झेल सकता, ये वो विष है जिसको नाग किन्नर असुर गंधर्व सुर असुर कोई नहीं झेल सकता, ये विष वो है, ये साधारण विष नहीं है। हे भोले बाबा आप इस विष को मत पियो। देव ऋषि नारद कहने के लिए आए, कहने के लिए ना, ना ना पार्वती जी को मालूम पड़ा कि देव ऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, तो पार्वती जी ने तुरंत आकर कहा, बाबा भोलेनाथ जी से आप विष मत पीना, जब देव ऋषि नारद मना कर रहे हैं कि विष मत पियो, क्यों पी रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं, नारद यह विष मैं अपने लिए नहीं पी रहा हूं, यह विष मैं पूरे जगत के कल्याण के लिए पी रहा हूं, और जग कल्याण का अगर विष है तो वो श्रेष्ठतम विष है, श्रेष्ठतम विष। चारों तरफ आनंद समाहित हो गया। आज भी लोग भगवान शंकर का वो नीला कंठ याद करते हैं और शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं, नीलकंठ महादेव, नीला कंठ याद करता लोग भगवान शिव को नीलकंठ महादेव कहते हैं। भगवान विष को धारण कर लिए, नीलकंठधारी बन गए, भगवान शिव आनंद की राशि हो गए। जो अमृत पीता है वो देव है, जो विष पीता है वो देव अधिदेव महादेव है। संसार की बातों को सुन लेना, लोगों के अपशब्दों को श्रवण कर लेना, ये विष की तरह पीना ही है, विष की तरह पीना ही है। भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी, भगवान शंकर आनंद के साथ निवास किए। समय आया, बिदल और उत्पल जो असुर हुए, जिन्होंने माता पार्वती जी की सुंदरता देखकर उनको पाने का प्रयास किया, क्रोध आया माता पार्वती जी को, गणेश जी के हाथ से कुंदुक को खींच कर फेंका, बिदल और उत्पल दोनों को संहार कर दिया। वो कुंदुक शिव जी के चरणों में जाकर गिरा, शिव जी का नाम कुंदकेश्वर महादेव। बोलो कुंदकेश्वर महादेव की। फिर निवेदन है, जो दवाई डॉक्टर आपको बोलते हैं वो खाइए, डॉक्टर जांच करने का बोले जांच कराइए, पर इतना याद रखिए कि दवाई जब शरीर में नहीं लगे तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर दवाई को खाना प्रारंभ करो, वो दवाई शरीर को काम करना प्रारंभ कर जाती है। कुंदकेश्वर, जैसे नींद ना आने पर भगवान शंकर की 5 बेटियां जया विषहरा शामली बारी दौतली देव, इनका नाम स्मरण कर जलाचमन किया जाता है, वैसे ही कुंदकेश्वर नाम संपूर्ण जगत के लिए एक ऊर्जा प्रदान करता है, एक ऊर्जा संपूर्ण जगत के लिए ऊर्जा देता है। भगवान देवाधिदेव महादेव का यह पवित्र चरित्र, 7 दिवसीय कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से चल रही है। आज कथा का 6 दिवस विराम की ओर जा रहा है, कल कथा का 7 दिन। पंडाल में कथा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगी और टीवी पर कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 5 तारीख से 9 तारीख तक कथा हापुड़ में रहेगी, फिर 14 तारीख से 20 तारीख तक कथा फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में रहेगी।